हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे, या हम बीएड पर ऑलरेडी हम वीडियो बना ही रहे हैं बीएड की काउंसलिंग को लेकर, बीएड के एडमिशन को लेकर। बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा कि सर आप डीएलएड पर भी कुछ ना कुछ हमें खबर दीजिए। तो वही चीज़ है, आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड के लिए बिल्कुल खबर लेकर आया हूँ। कब तक एडमिशन होगा, कब तक फॉर्म आएंगे, कब तक आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरी वॉइस को पहली बार सुन रहे हो और आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, या डीएलएड के लिए आप एकदम से प्रिपेयर बैठे हो कि जैसे ही फॉर्म आए मैं डीएलएड करना शुरू करो, और हम भी जो टीचर बनने का जो हमारा सपना है उसका पहला चरण में रखूं, तो बिल्कुल भी आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिए। अगर आपके मन में कोई ऐसा ख्याल है कि मुझे भी टीचर बनना है आगे चलकर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डीएलएड होता है, डीएलएड में सारे स्टेट वाले बच्चों के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं है। यूपी के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, आप किसी भी स्टेट के हो, आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए हम बात करते हैं। देखो, जो डीएलएड का एग्जाम होता है ये आप सबको पता है कि ग्रेजुएशन बेस्ड होता है, ठीक है। जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा तब तक आप डीएलएड में फॉर्म नहीं डाल सकते हो। हर बार क्या होता था कि जो आपके डीएलएड का जो फॉर्म होता था वो जुलाई से अगस्त में, जुलाई में यानी जून लास्ट में या जुलाई में इसका फॉर्म आ जाता था। सारे बच्चे फॉर्म भरते थे और अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक से आपकी जो है कोर्सेस स्टार्ट हो जाती थी, सिलेबस आपका शुरू हो जाता था, सेशन आपका शुरू हो जाता था। लेकिन अब की बार क्या है, आप सबको पता है कोविड की वजह से बहुत सारे जगहों पर पेपर चल रहे थे ग्रेजुएशन का। अभी हाल ही में बहुत सारे जगहों पर पेपर कंप्लीट हुआ है। तो जो हमें जो सूचनाएं मिली हैं, या जो हम क्या सोचते हैं, ठीक है, या कैसे क्या हो सकता है, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे आपको पता है जैसे बीएड का फॉर्म आ गया, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बीएड का तो फॉर्म आ गया, वो भी ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, डीएलएड का फॉर्म क्यों नहीं आया, ये भी तो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो सुनिए भैया, जो बीएड होता है, बीएड फॉर्म भराने के बाद में उसके 1 से 2 महीने के बाद एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर एग्जाम के 1 महीने के बाद वो रिजल्ट जारी करती है, उसके बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। इसलिए जो बीएड का फॉर्म था वो बीएड का फॉर्म पहले आ गया। लेकिन डीएलएड में क्या होता है, इसमें एंट्रेंस तो होता नहीं है, इसमें आप फॉर्म डालोगे उसके तुरंत बाद आपको कॉलेज लॉक करना होगा, यानी काउंसलिंग करना होगा, यानी इसमें एग्जाम के लिए तो कोई वेट करना नहीं होता। तो बीएड का फॉर्म इसलिए आ गया था क्योंकि उनको पता था कि जब तक हम एग्जाम कराएंगे और एग्जाम का रिजल्ट हम लाएंगे तब तक बहुत सारे बच्चों की ग्रेजुएशन की जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है, और वो अपना जो है अपने जो काउंसलिंग है वो करा सकेंगे। लेकिन अब देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि जो बीएड की काउंसलिंग डेट है वो टल गई। क्यों टल गई? क्योंकि अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जो है वो रिजल्ट नहीं आए हैं ग्रेजुएशन के। यही रीजन है कि डीएलएड का फॉर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं अभी उनका रिजल्ट ही नहीं आया है, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चे फॉर्म कैसे डालेंगे, ये चीज है। तो जब भी रिजल्ट आ जाएगा उसके आप तुरंत बाद ही देखोगे, जब सारी, क्योंकि ये लोग जो पेपर जो आपके डीएलएड के जो एडमिशन लेते हैं, यानी जो एससीईआरटी होती है या एनसीईआरटी होती है या पीएनपी कह लें, जो भी होता है, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो देखेंगे सभी यूनिवर्सिटी से, वो बात करेंगे कि सारे यूनिवर्सिटीज में जो रिजल्ट है वो निकल आए हैं कि नहीं निकल आए हैं, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट निकल भी आए हैं, तो जिन जिन के निकल आए हैं वो कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि निकल आए हैं या नहीं निकल आए हैं, किस यूनिवर्सिटीज का अभी नहीं आया है, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा। बाकी अभी लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर मेरे यूनिवर्सिटी का तो आ गया तो अब क्यों नहीं आ रहा, तो भाई एक यूनिवर्सिटी नहीं है यूपी में जो काम करी, या किसी भी स्टेट में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं आए हैं रिजल्ट, इसी वजह से जो डीएलएड का फॉर्म है वो डिले हो रहा है। अगला जो बात आता है वो यही चीज़ है कि दिसंबर से शुरू होगा क्या एडमिशन। देखो भाई, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है देखो अक्टूबर में तो नहीं आएगा, क्योंकि अक्टूबर जो है लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो नवंबर, आप नवंबर लास्ट तक आप देख सकते हो, ठीक है, यानी 2020 के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये लोग एडमिशन तो करेंगे, ऐसा नहीं कि 2020 में एडमिशन ही नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक साल अगर ये लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो इन कॉलेज वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और ये लोग ऐसा चाहेंगे नहीं, चाहे थोड़ा लेट ही होगा लेकिन ये एडमिशन करेंगे जरूर, तो आप इसके लिए पैनिक ना होइए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, और गाइडलाइंस यही कहती है जो हमने आपसे कहा था कि बिना ग्रेजुएशन के कुछ भी नहीं होगा, तो ग्रेजुएशन के रिजल्ट जब भी आएंगे उसके तुरंत बाद, जैसे ही सारी यूनिवर्सिटीज अपनी रिजल्ट जारी कर देंगी उसके तुरंत बाद जो है आपके एडमिशन, सॉरी जो आपका फॉर्म है वो आ जाएगा, और उसके बाद आप काउंसलिंग कराकर आप अपना जो है टीचर बनना का जो सपना है उसके लिए आप पहला चरण आगे बढ़ा दोगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए अगर आप पहली बार मेरी वॉइस को सुन रहे हो, क्योंकि अगर आप डीएलएड करने जा रहे हो या आप बीएड कर रहे हो तो आपको अपने इस टॉपर सेंट यानी सीएम सर का साथ आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।